भोपाल से तस्वीरें सामने आ रही हैं। भोपाल में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जबरदस्त हंगामा कर रहे हैं। रवीश पाल से जानकारी दीजिए रवीश। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरीके से बस में भर कर यहाँ से ले जाया जा रहा है, और कहाँ ले जाएंगे अभी ये तो पता नहीं है, लेकिन वो देखिए बस के अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। कार्यकर्ता अंदर बस में नहीं जा रहे हैं, तो उन्हें जबरदस्ती बस में बैठाया जा रहा है। ये महिलाएं हैं, ये महिला कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की, कहाँ ले जाएंगे। तस्वीरें आप देखिए, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भोपाल में और भाजपा कार्यालय के पास ये पूरा प्रदर्शन था, जहां पर पुलिस सभी कार्यकर्ताओं को खदेड़ कर ले जा रही है। ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है जो प्रदर्शन के लिए यहां पहुंचे हुए थे। पुलिस क्योंकि इन्हें गिरफ्तार करके यहां से ले जा रही है, तो ये सभी कार्यकर्ता जो है यहां से अब दूसरी तरफ इन्हें पुलिस यहां से निकाल रही है। कहां ले जाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन ये गिरफ्तारी हो गई है इनकी यहाँ पे, और गिरफ्तारी के बाद इसी बस में भरकर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भाजपा कार्यालय से दूर ले जाया जा रहा है। और सामने भाजपा कार्यालय है जहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, लेकिन अब पुलिस ने महज 15 से 20 मिनट में ही इस पूरे प्रदर्शन को खत्म कर दिया है। और जितने भी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे भाजपा कार्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी के, उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस अब यहां से इस बस में बैठा करके ले जा रही है। नीचे तस्वीरों में देखिए आप, ये आम आदमी पार्टी के पोस्टर्स हैं जो विरोध के लिए यहाँ लेकर के आए थे, लेकिन वो सब यही गिर गए हैं नीचे, क्योंकि धक्का मुक्की करके उन सभी कार्यकर्ताओं को इस बस में भरा गया है। और फिर उन्हें यहाँ से लेकर के अब जो आसपास जो पुलिस स्टेशन होगा वहां लेकर के जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसी बस में है, इसी एक ही बस में उन सभी कार्यकर्ताओं को डाल दिया गया है। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश मनीष सिसोदिया जिंदाबाद। ये जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है गलत है, देश में तानाशाही नहीं चलने वाली। जो भी हुए हम अडानी के खुले घूमने का विरोध करते हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी। आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर के पुलिस की जो बस है रवाना हो गई है। भोपाल में ये पूरा प्रदर्शन था आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर, लेकिन पुलिस ने जो सभी कार्यकर्ता थे उन्हें बस में भेज करके इस पूरे रूट को क्लियर करवा दिया है। पीछे की तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं, ये रास्ता प्रदर्शन की वजह से अभी तक बंद था, लेकिन अब पूरा रास्ता खोल दिया गया है। पुलिस सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के यहाँ से जा चुकी है।